तो भाई आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ एक ऐसी भूतिया मूवी जिसके दो पार्ट हैं। और भाई अगर आप लोगों ने इस मूवी को देखना शुरू किया तो आप इस मूवी को देखते ही जाओगे क्योंकि इसकी स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी है। चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी के बारे में, आखिरकार मूवी में होता क्या है। तो भाई लोग हम लोग देखते हैं बिली और उसके भाई को। भाई बिली का छोटा भाई बिली को बोल रहा होता है तुम मेरे साथ खेलो, लेकिन बिली का खेलने का मन नहीं होता। तो भाई बिली अपने भाई से कुछ सामान मंगाता है और उसको एक कागज की बोट बना के दे देता है। हम लोग देख पाते हैं कि भाई उसके घर से बाहर बरसात हो रही होती है। बिली अपने भाई को बोलता है जाओ इसको बरसात के पानी में छोड़ दो और ये तैर के जाएगी। बिली का छोटा भाई अपने भाई की बात मानता है और नीचे जाता है और बोट को पानी में छोड़ देता है और बोट तैरने लग जाती है और बिली का भाई बोट के पीछे पीछे भागता है और बोट तैरते तैरते सड़क के किनारे वाले नाले के गड्ढे में गिर जाती है। तो भाई बिली का भाई अपनी बोट को देख रहा होता है तो भाई उसी नाले के गड्ढे के अंदर से एंट्री होती है पेनीवाइज की। तो भाई पेनीवाइज एक जोकर है, ये हंसाता नहीं भाई ये लोगों को डराता है। इतना ज्यादा आप डरावना सोच रहे होंगे उससे ज्यादा डरावना है ये। तो भाई पेनीवाइज बिली के भाई को बोलता है लो अपनी बोट तुम ले लो। तो भाई बिली का भाई बोट लेने के लिए गड्ढे की तरफ बढ़ता है लेकिन वो अपनी बोट नहीं ले पाता क्योंकि भाई उसको पेनीवाइज गड्ढे के अंदर खींच लेता है। कुछ महीने बाद बिली काफी ज्यादा सैड रहने लग जाता है, वो सोचता है कि मेरा भाई मेरे वजह से गायब हुआ है। बिली अपने भाई को अपने दोस्तों के साथ ढूंढने लग जाता है। तो भाई इस सफर में बिली के और नए दोस्त बनते हैं और ये बन जाती है एक टीम। तो भाई पूरी टीम मिलकर ढूंढने लग जाती है बिली के भाई को। भाई बिली के छोटे भाई को ढूंढते ढूंढते उन्हें मिल जाता है भूतिया जोकर पेनीवाइज का घर। तो फिर बिली अपने छोटे भाई को भूतिया जोकर से बचा पाएगा ये तो आपको मूवी देखने पर पता चलेगा। अगर आप लोग कुछ डरावना और कुछ खतरनाक देखना चाहते हो तो भाई आप लोग चेकआउट कर सकते हैं इट चैप्टर 1। इसमें जो भाई हमें भूत दिखा रखा है वो भाई एक जोकर है, बोले तो एक भूतिया जोकर जो किसी को हंसाता नहीं है, बहुत ज्यादा डराता है। ये भूतिया जोकर जिसको जितना ज्यादा डराता है उतनी ज्यादा इसकी पावर बढ़ती है और इस भूतिया जोकर को काफी ज्यादा मजा आता है अपने शिकार को डरा के मारने में। तो भाई जब जब आपको ये भूतिया जोकर मूवी में देखने को मिलेगा आप लोग को सही में काफी ज्यादा डर लगने वाला है। अब चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट को लेकर, इट चैप्टर 2। तो भाई इट चैप्टर 2 काफी ज्यादा अच्छा है और काफी ज्यादा डरावना भी है। तो भाई अगर बात करें इट चैप्टर 1 की, उसमें हमें देखने को मिलती है बिली और उसके दोस्तों की बचपन की कहानी और फिर इट चैप्टर 2 में हम लोग को देखने को मिलता है बिली और उसके दोस्त बड़े हो चुके हैं और भूतिया जोकर फिर से वापस आ चुका है 27 सालों के बाद। इस भूतिया जोकर की सबसे बड़ी बात यह है कि हर 27 साल बाद आता है, बच्चों को उठा के ले जाता है और फिर से सो जाता है 27 सालों के लिए। तो भाई इट चैप्टर 1 में बिली और बिली के दोस्त इस भूतिया जोकर को मिलकर हरा देते हैं और फिर ये भूतिया जोकर वापस चले जाता है जहाँ से ये आया होता है, लेकिन 27 साल बाद ये फिर से जोकर वापस आता है और बिली के दोस्त भी वापस आते हैं। तो भाई 27 साल बाद बिली और बिली के दोस्त भूतिया जोकर की कहानी हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे कि नहीं, ये तो आप लोग को मूवी में देखने को मिलेगा। तो भाई मैं तो बोलूंगा आप लोगों को एक बार इस मूवी को जरूर देखना चाहिए क्योंकि मूवी काफी ज्यादा डरावनी है। आप लोगों को चैप्टर 1 तो काफी ज्यादा डरावना लगेगा लेकिन चैप्टर 2 भी बहुत ज्यादा डरावना है और दोनों पार्ट्स की स्टोरी भी काफी ज्यादा अच्छी है। भाई आज की वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, फिर मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में।